नमस्कार दोस्तों, इन्फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो हमारा एक बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है ऑब्जेक्टिव हिंदी और निबंध की तैयारी के लिहाज से, यानी प्री कम मेंस के ओरिएंटेशन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पर वीडियो के माध्यम से 12-15 मिनट की वीडियो के माध्यम से और साथ ही केवल एक पेज के माध्यम से, एक पेज का PDF है उसको आप तैयार कर लेंगे तो आपकी प्री कम मेंस की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। देखिए, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम लोग पिछला इसमें देखते हैं कि जो ऐसे कोटेशन आज के लिए है आपके लिए, उसमें आपको ये याद करना है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। अब ये मूरख जो है, यहाँ पे आप ये ना सोचिएगा कि ये मूर्ख होता है तो यहाँ पे मूरख ये गलत क्यों लिखे हैं, ये शुद्ध अशुद्ध वाला वर्तनी शुद्ध, वैसा नहीं है। थोड़ा सा देखिए, कविता जो कवि होते हैं उनके शब्द थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि उनको छंद तुक लय इन सब का भी ध्यान रखना रहता है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ही याद कीजिएगा, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। तो देखिए, ये एक ऐसी कविता है, थोड़ी सी लंबी है, 4 लाइन की है, पर शब्द एक तो आसान है तो इसलिए याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरी बात कि इसमें आपके 2 टॉपिक्स तैयार हो जा रहे हैं। पहला टॉपिक है कि जो धार्मिक आडंबर होता है, यानी धर्म के स्तर पर जो आडंबर, धर्म से रिलेटेड जो आडंबर किए जाते हैं उसके बारे में भी है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में। और इसके बाद इसमें अगर आपको मान लीजिए किसान से रिलेटेड निबंध आए तो किसान से रिलेटेड निबंध में भी इसको आप यूज कर सकते हैं कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में और देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, तो यानी मजदूर से भी आपका ये रिलेटेड हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि अगर आप ये 4 लाइन याद करेंगे तो आप 3 से 4 जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान पे निबंध आए तो उसमें कर सकते हैं, मजदूर पे आए उस पर कर सकते हैं, इनका कहीं जिक्र आए धार्मिक आडंबर का तो उसमें इसको कर सकते हैं। तो एक तीर से कई सारे शिकार हो सकते हैं, इसलिए आप इसको आपके लिए लाया गया है। इसको थोड़ा सा नीचे करिए। उसके बाद हम लोग आते हैं अशुद्ध और शुद्ध शब्दों पर। अशुद्ध और शुद्ध शब्दों में देखिए, पहला है भुजंगिनी। ये देखिए, इसमें भुजंगिनी ना हो करके ये भुजंगी होता है, यानी भुजंग से भुजंगी अगर हम लोग कर देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसमें भुजंगिनी जो है, भुजंगी भी कर दिया और बाद में नी भी लगा दिया, ऐसा जरूरी नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। इसका आपको भुजंगी पेपर में आया हुआ है चीज, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, भुजंगिनी ना होके भुजंगी हो जाएगा। प्राणी वृंद, प्राणी वृंद जो है, दरअसल प्राणी जो है, प्राणी सिंगुलर होता है, प्राणी वृंद आपका प्लूरल हो जाएगा। और प्राणी वृंद जब ये होता है तो इसमें प्राणी के जो ये बड़ी मात्रा रहती है, ये बड़ी मात्रा ना होके यहाँ पे ये छोटी मात्रा हो जाएगी। ऐसे कई सारे शब्द हैं, जैसे योगीवर होता है तो योगीवर अगर आप लिखेंगे तो गलत होगा, वो योगीवर होगा, यानी कि योगी में ग के ऊपर छोटी ई की मात्रा रहेगी। तो ऐसे ही करके कई सारे शब्द रहते हैं, तो ये प्राणीवंद में आपको ध्यान रखना है, ये प्राणी वृंद हो गया। शंभुनाथ, शंभुनाथ में भी आपको ये ध्यान रखना है कि शंभुनाथ ना हो करके शंभुनाथ होगा, ठीक है, तो शंभुनाथ ना हो करके ये शंभुनाथ होगा। ये सब थोड़ा थोड़ा एक एक मात्रा में आपके गलत होने और सही होने वाले वर्ड हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है, इसको डेली बेसिस पे आपको बार बार देखते रहना है, तो अपने आप ये सारी चीजें बहुत आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे सारी चीजें। अगला देखते हैं कि तद्भव तत्सम। तो तद्भव तत्सम में पहला वर्ड है पहचान। पहचान को प्रत्यभिज्ञान बोलते हैं, प्रत्यभिज्ञान से ये सरल होकर पहचान बना। अब ये इतना कठिन शब्द इसको कौन बोलेगा, और बोलेगा तो समझेगा कौन, तो ये सब चीजें हैं तो इसको हम लोग सरल भाषा में पहचान बोल देते हैं। समर्पय, समर्पय को सौंपना जैसे होता है, तो समर्पय आप लोग जैसे मंत्र वगैरह जो पढ़े जाते हैं तो उसमें होता है समर्पयामि, कि मतलब हम ये अर्पण करते हैं भगवान को, सौंपते हैं, तो वैसे करके समर्पय से आपका सौंप जो है बन गया। और शीतल, शीतल जो है यानी ठंडा, शीतल से आपका ये सीला बन गया, कि जैसे बिस्किट जो है वो सील गया, तो उसका मतलब कि शीतल हो गया, मतलब शीतल मतलब पानी उसमें हल्का सा जो उसकी नमी है वो बढ़ गई, तो उससे होता है। आगे हम लोग देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें देखते हैं पहला जो हमारा वर्ड है वो है अंत्यज। अंत्यज बोलते हैं कि जो अंतिम वर्ड में जन्मा हो, अंतिम वर्ण में जन्मा हो
उसको अंत्यज बोलते हैं। अंतिम वर्ण मतलब जो, जैसा कि वैदिक काल में जो पुरुष सूक्त था उसमें ये इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जो अंतिम वर्ण मतलब शूद्र वर्ण जो बोला जाता है उसमें जो जन्मा हो तो उसको अंत्यज बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि ये जो अज है, अज यहाँ पे बनता है कि मतलब जन्मा हुआ से रिलेटेड, ये जो है जहां पे भी लगेगा तो कुछ ना कुछ जन्मा हुआ से ही रिलेटेड रहेगा। तो ये अंत्यज हो गया अंतिम वर्ण में जन्मा। इसी प्रकार से पूर्वज हो जाएगा तो जो पहले जन्मा हो। ठीक है, पूर्वज जो है वो पहले जो जन्मा हो वो पूर्व, मतलब हम लोग के जो पूर्वज रहे हैं वो पूर्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो पहले था पर अब नहीं है, तो यानी जो पहले था अब नहीं है, तो भूतपूर्व। तो यानी जो पहले था पर अब नहीं है तो भूतपूर्व उसको बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं शब्द विलोम पे। अगर देखें तो शब्द विलोम जो है वो आपको पता है कि मतलब जो त्रिशित है, त्रिशित का ये त्रिता है उसमें री की मात्रा है। अगर आप लोगों को ना ये समझ में आए तो त्रिशित जो है वो तप्त उसका हो जाता है। त्रिशित का मतलब आपका जो प्यास से रिलेटेड तृष्णा होती है, तो तृष्णा से त्रिशित बन गया है और उससे जो है ये तप्त, मतलब प्यास बुझ गई तो ऐसे तप्त ये बन गया है। ठीक है, तो त्रिशित का तप्त हो जाएगा, तुष्ट का रुष्ट हो जाएगा। रुष्ट का मतलब रुष्ट का मतलब कि जैसे जो गुस्सा गुस्साया हुआ उस टाइप में आप समझ लीजिए, यानी रूसा हुआ जैसे कह देते हम लोग, रीस गया है। ठीक है, और तो ये तुष्ट का मतलब जैसे जो जो तुष्टीकरण की पॉलिसी होती है, अपीजमेंट पॉलिसी होती है, तो यानी किसी खुश करने की प्रवृत्ति, तो वो जो है तुष्ट से रुष्ट आपका बन गया उल्टा उसका। उसके बाद देखिए कोप और कृपा, तो मतलब कृपा आपको पता ही है जो निर्मल बाबा देते थे कृपा वो वाली, और कोप जो है वो उसी का उल्टा हो गया। ठीक है, तो कोप का कृपा ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द आपको पता है कि ये केवल प्री में पूछा जाता है, आरओ आरओ की प्री परीक्षा में ही। तो इसमें देखिए आदित्य, आदित्य का मतलब आपको पता है, आदित्य का मतलब सूर्य होता है। कई सारे छठ पूजा में कई सारे गाना बनते हैं कि उग हो आदित्य देव, तो वो आदित्य का मतलब सूर्य होता है। उसके बाद देखिए भास्कर, ये आप लोग लगभग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो भास्कर जो है भास्कर का मतलब भी सूर्य होता है, आदित्य होता है। दिवाकर, दिवाकर दिनकर, देखिए दोनों मिलने वाले हैं, एक ही जैसे हैं। दिवाकर मतलब दिन करने वाला, यानी कि दिन जो करता हो, जो दिन लाता हो, तो वास्तव में सूरज जब आता है तभी आपका दिन वो आता है, तो यानी वो रोशनी इतनी फैला देता है, तो इसलिए दिवाकर का मतलब सूर्य हो गया। दिनकर, दिनकर भी जो दिन करता हो, ये डायरेक्ट ये समझ लीजिए यही मतलब है इसका, तो दिनकर भी आपका सूर्य से रिलेटेड हो गया। आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक उपाधि भी थी दिनकर, उन्होंने अपना तकल्लुफ, शायद नहीं तकल्लुफ तो नहीं, तलखुश पता नहीं क्या उसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी वो वर्ड, उर्दू वर्ड, तो वो जो है उनका अपना था रामधारी सिंह दिनकर जी का। और क्योंकि उनकी वाणी में इतनी ओज थी, उनकी जो कविताएं थी वो बेसिकली ओज प्रधान कविताएं थी, यानी जोशीली वाली। और कई बार जो हम लोग देखते हैं कि भारत में कई ऐसी क्रांतियां हुई जिन पे उनकी कविताएं जो है प्रयोग की जाती हैं, आज भी जब कभी नेताओं को अपने भाषण में जोश जगाना होता है तो वो इन्हीं कविताओं का प्रयोग करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर वैसे ही जो है सूर्य के ही समझ सूर्य के ही तरह। उसके बाद देखिए भानु, भानु का मतलब भी आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, भानु का मतलब सूर्य। रवि तो लगभग सबको पता है कि रवि का मतलब सूर्य होता है, और सूर्य सूर्य। ठीक है, तो रवि सूर्य, आदित्य भास्कर, दिवाकर दिनकर भानु। उसके अब ये भानु जैसे लिखा है तो ये आपको ध्यान देना है, ये सब छोटी छोटी चीज। अब जब भी आप लोग कोई भी हिंदी का आर्टिकल पढ़ें, जैसा कि हमारा जो एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस इस बेसिस पे करते हैं कि आप लोगों को मूल एडिटोरियल ही पढ़ने को मिलता है, उसमें हम लोग कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाते, बल्कि वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर रोज के रोज आपको अंडरलाइंड वे में पोस्ट किया जाता है। उसमें आप देखिए कि ये जो शब्द लिखे जा रहे हैं वो किस प्रकार से लिखे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे भानु लिखा हुआ है, तो भानु में ये बड़ी ऊ की मात्रा नहीं है, छोटे ऊ की है। तो अब आज से आप लोग ये सब चीजें छोटी छोटी ध्यान देने लगिएगा जब भी कोई बुक पढ़ें। हो सकता है कि कुछ बुक्स में गलत ही हो, पर ज्यादातर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनकी कई बार प्रूफ रीडिंग कराई जाती है, उससे आपको एक सही का अंदाजा हो जाता है। और अशुद्ध शुद्ध शब्द जो यहाँ पे कराए जाते हैं वो तो ठीक है, पर अपनी अगर डेली लाइफ में भी आप ऐसे सीखते रहेंगे तो वो आपका वैसे भी एक शब्द भंडार बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए दास,
दास का मतलब, दास को जो है अनुचर बोल देते हैं, अनुचर मतलब जो हमारा जो काम कर रहा है, यानी दास जो है अनुचर हो गया, अनुचर से ही मिलता जुलता परिचर हो गया, परिचर जैसे परिचारिका वैकेंसी आती है तो वैसे ही परिचर हो गया, अनुचर हो गया, दोनों मिलते जुलते, सेवक हो गया। और ये दो नए वर्ड हैं, भृत्य वर्ड है, भृत्य का मतलब भी सेवक होता है या दास होता है, और साथ में किंकर वर्ड है, किंकर का मतलब भी दास होता है, आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो किंकर का मतलब दास, ये आपको याद रखना है, भृत्य किंकर, ठीक है। और अनुचर परिचर तो खैर आसान है। उसके बाद देखें दिन, दिन का मतलब जो है ये दिवा हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा ही था दिनकर दिवाकर, तो ऐसे ही ये दिन का मतलब हो जाता है दिवा, दिवा से ही मिलता जुलता है दिवस, इसका भी मतलब हो गया दिन। और उसके बाद वार, जैसे सोमवार मंगलवार वो भी जो है दिन होता है, तो उससे ये वार बन गया, और वार से ही एक वासर शब्द बन गया, इसको आपको नया वर्ड है ये आपको याद कर लेना है, बाकी तो सब आपने सुने ही होंगे पहले से, तो ये वासर वर्ड यहाँ पर दरअसल आपके लिए नया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रशासनिक शब्दावली में, जो कि केवल आपको मेंस परीक्षा में देखने को मिलती है आरओ आरओ की। तो इसमें देखिए कि पहला जो है वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको पता है कि जैसे जो मतलब जैसे बैंक में जो एनपीए होता है, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आपने बहुत शब्द सुना होगा, तो वो दरअसल बैड डेट्स माना जाता है, मतलब ऐसे ऋण जो कि खराब चले गए, यानी जो बैड ऋण बोलते हैं उनको, तो उसको जो है यहाँ पर देखें तो ये हिंदी में उसको बोलते हैं अशोध्य ऋण। तो यानी आप बैड डेट को हिंदी में ना बना दीजिएगा कि बुरा ऋण, तो आप कहें कि नहीं सर ये तो हमने सही लिख दिया, वास्तव में जो शब्द है, इसीलिए तो इसको प्रशासनिक शब्दावली कहा जाता है या पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बैड डेट का मतलब ये आपको अशोध्य है, तो अशोध्य ही लिखना है यहाँ पे, आपको और कोई वर्ड नहीं लिख सकते हैं इस जगह पे। हालांकि इसमें कुछ कुछ अलग अलग किताबों में कुछ कुछ शब्दों का अलग अलग भी दिया रहता है, पर ज्यादातर किताबों में यही वर्ड मिलता है, वही हम यहाँ पर लिखते हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं हम लोग उन्हीं का मान के चलते हैं, ठीक है। और सिविल, सिविल आता है, तो देखिए अब सिविल का एग्जाम्पल जो है ये मैंने, इसमें तीन ये शब्द बनते हैं, और ये वास्तव में आप तीनों ही लिखेंगे तो सबसे अच्छा आपको माना जाएगा, क्योंकि आप देखिए सिविल का मतलब नागरिक तो होता है आपको पता है, ठीक है। असैनिक जैसे मान लीजिए सिविल सर्विसेज होते हैं, तो सिविल सर्वेंट तो उनको बोल दिया था असैनिक सेवक, जैसे आपका एक प्रश्न आता है कि एओ ह्यूम जो है वो क्या थे, तो एओ ह्यूम जो है असैनिक सेवक थे, यानी सिविल सर्वेंट थे। एक बार प्रश्न आ गया कि असैनिक सेवक थे, लोग उसका इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़े कि सिविल सर्वेंट, लोग सोच रहे हैं क्या था असैनिक सेवक क्या था, तो ये सब भी आपको इंग्लिश वर्जन इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है, अगर आप किसी भी प्रश्न में डाउट महसूस कर रहे हैं तो उसका अंग्रेजी वर्जन भी जरूर देखें। फिलहाल देखिए सिविल को असैनिक, और ये नागरिक, और दीवानी, दीवानी भी आपको पता है कि जैसे सिविल कोर्ट होती है क्रिमिनल कोर्ट होती है, तो क्रिमिनल कोर्ट जो है वो आपराधिक हो गया, और सिविल कोर्ट जो है वो आपका दीवानी मामला हो जाता है, ठीक है। तो दीवानी का भी मतलब सिविल हो जाता है, सिविल केसेस दीवानी मामले। उसके बाद देखिए एक होता है इमोल्यूमेंट्स, स्पेलिंग भी इसकी ध्यान दे दीजिएगा, ई एम ओ एल यू एम ई एन टी एस, इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है परिलब्धियां। आप लोग जब भी कोई फॉर्म आपका जो आता है, जो भी कोई भी आप लोग वैकेंसी भरते हैं गवर्नमेंट, तो उसमें लिखा रहता है सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स, यानी वेतन और परिलब्धियां वो क्या हैं, तो यानी वेतन के साथ में मिलने वाली जो अन्य सुविधाएं होती हैं उसको बेसिकली बोल दिया जाता है, तो इमोल्यूमेंट्स मतलब परिलब्धियां। उसके साथ ही देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनका, आप लोगों को मतलब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मतलब नहीं जानेंगे तो वाक्य प्रयोग की तो कोई संभावना ही नहीं बनती है कि आप उसमें कुछ भी लिख के आएंगे, यानी अगर मतलब नहीं पता तो आपका दो के दो नंबर गए, और अगर मतलब पता है तो एक नंबर तो फिर भी आपको मिल सकता है। तो देखिए घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना, सबको पता है कि हाँ ये जैसे बूढ़े लोग जो है वो अक्सर कहा करते हैं कि हमने बहुत घाट घाट का पानी पिया है, तो उनका मतलब ये नहीं कि वो सही में जाके हर जो है गंगा घाट यमुना घाट वहां पे जाके पानी पी रहे हैं, उसका मतलब ये है कि घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभवी होना, मतलब बहुत जो है उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है, अनुभूति उनकी बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए गंजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके, तो गंजेड़ी यार किसके दम लगा खिसके, स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध होते ही मुंह फेर लेता है, और ये बिल्कुल सही बात है, जो मतलब आप देखे होंगे कि जो पीने पाने वाले लोग होते हैं उनके साथ, उनका जो है आपको दिन में वो नहीं मिलेंगे, वो आपको शाम के ही टाइम में फोन करेंगे कि हाँ भाई कहाँ है,
क्योंकि उनको पता है कि यहां से हमें जो है शाम का ही मतलब है हमारा, दिन में तुम किस मुसीबत हो उससे कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाओ, शाम को जरूर पूछेंगे आपको। तो गंजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके, शाम को आएंगे बैठेंगे दो दो पैग लगाएंगे उसके बाद खिसको वहां से। तो गंजेड़ी यार किसके दम लगा खिसके, स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध होते ही मुंह फेर लेता है। ठीक है, अगले पे हम लोग देखते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के मतलब चट्टे बट्टे, उसका मतलब होता है समान प्रवृत्ति का होना, यानी दो लोग हैं अगर उनकी समान प्रवृत्ति है तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो ये रहा हम लोग का आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने हिंदी ऑब्जेक्टिव हिंदी की और साथ में ऐसे की थोड़ी बहुत तैयारी, और साथ ही ऑब्जेक्ट जो हमारा हिंदी ड्राफ्टिंग में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं जैसे मुहावरे और प्रशासनिक शब्दावली, उसकी भी हम लोग दैनिक स्तर पर जो तैयारी कर रहे हैं उसका ये आज का सेशन था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और इसका जो PDF है वो अभी जैसे ही ये वीडियो आएगा उसके तुरंत बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, और वहां से आप लोग इसे देख सकते हैं, डेली बेसिस पे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।